एंड इन शॉर्ट ए आई यूज़ एक्जिस्टिंग डेटा टू मेक फ्यूचर प्रडिक्शंस तो जहाँ भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है बहुत सारे डेटा वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो सकता है फॉर एक्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब एल्गोरिदम की बात करूँ तो हो सकता है आपने मेरी कोई मेकिंग मनी वाली वीडियो देखी हो और उसके बाद यूट्यूब आपको अंकुर वारेकू की मेकिंग मनी वाली वीडियो रिकमेंड करे ट दी यूट्यूब एलगोरिज्म कैनॉट थिंक लाइक अस ह्यूमन की इसको ये वीडियो अच्छी लगी तो शायद इसको वो भी अच्छी लगी होगी ये एल्गोरिजम बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग डेटा यूज करता है कि जिन लोगों ने आयुष्मान पंडिता की मेकिंग मनी वीडियो देखी उन्होंने अंकुर एल्गोरिदम यूजेज दिस डेटा टू मेकअप प्रिडिक्शन की इसको अंकुर वारिकु की वीडियो भी दिखा सकते हैं और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है इनको काफी टाइम से यूज किया जा रहा है मैनुअल वर्क को ऑटोमेट करने के लिए नाइनज में ए आई वॉज यूज टू एनालाइज क्रेडिट और अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जैसा हमने देखा ए आई कैन एक्चुअली क्रिएट न्यू इमेजेस न्यू डिजाइन फ्रॉम टेक्ट प्रॉम्प और ये सारे वो काम है जिसके लिए पहले ह्यूम की जरूरत होती थी बट अब ए आई एक सिंपल सॉफ्टवेयर इन सेकेंड कर पाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ए आई विल रिप्लेस एटी फाइव मिलियन न्यू जॉब्स बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बट एट द सेम टाइम ए आई विल ऑल्सो क्रिएट नाइनटी सेवन मिलियन न्यू जॉब्स तो ऐसा नहीं है कि ए आई के आने से सिर्फ जॉब लॉसेज होंगे काफी सारे जॉब्स क्रिएट भी होंगे और काफी सारे जॉब्स ऐसे भी है जिनको ए रिप्लेस कर ही नहीं सकता एंड इन जॉब्स के बारे में हम अपनी सीरीज की वीडियो में बात करेंगे जहां आई विल टेल यू अबाउट दैट रिप्लेस तो अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए सो नाउ दैट वी हैव एन आईडिया की ए क्या है एंड ये कैसे इतना पावरफुल बना लेट्स टॉक अबाउट टेन जॉब्स ए आई विल रिप्लेस बाई ट्वेंटी बट आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग इस वक्त कौन सी जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कौन सी जॉब करना चाहते हो सो so, जो फर्स्ट जॉब है जिसकी हम बात करेंगे ये ऐसी जॉब है जहां पे क्योंकि यहां पे अगर ह्यूमन एरर हुई

फ्यूचर में रोबोट्स का भी यूज़ किया जाएगा एज सोल्जर्स इन वॉर एंड इसके कारण ह्यूमन सोल्जर्स की डिमांड कम हो सकती है एंड नंबर ऑफ जॉब्स एज सोल्जर्स भी कम हो सकती है मूविंग ऑन द फोर्थ जॉब दैट ए विल किल इज़ दैट ऑफ म्यूज़िक कम्पोजर्स आपको शायद से ना पता हो इस वक्त बहुत सारा जो हम म्यूज़िक सुनते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी या फिर ऐसी वीडियोज़ में वो ए ने बनाया होता है इंस्टेड ऑफ ह्यूम ने और म्यूज़िक कॉम्पोजिशन वी ऑल नो इज़ अ क्रिएटिव फील नो डाउट लेकिन अब ए के पास इतना ज़्यादा डेटा है ए इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि अब ए खुद से भी म्यूजिक कम्पोज कर सकता है एंड हमें एक म्यूजिकल पीस दे सकता है इनफैक्ट वरुण माया की जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था उन्होंने कहा था कि उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रहा है वो भी ए ने ही लिखा है सो मूविंग ऑन द फिफ्थ जॉब दैट विल किल इनफैक्ट इट इट हैज ऑलरेडी इज स्टॉक ट्रेडर्स इस वक्त आप जितने भी बड़े बड़े बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देखते हो ये ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक ट्रेडिंग के लिए और इसके लिए ये लोग रोबो एडवाइजर

एक्सचेंज इतना ही अच्छा है इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू गुड डी फाइ ऐप अवेलेबल आउट देर एंड जो लोग कंप्यूटर पे क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर सकते वो इनके मोबाइल ऐप का यूज भी कर सकते हैं तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं सो मूविंग ऑन द दिक्कत जॉब इन दिस लिस्ट इज़ फार्मर्स आज से सौ साल पहले आई थिंक फार्मिंग वॉज दैट सेक्टर जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते थे बट साल भर साल ये गिरता जा रहा है बट विद द एडवांसमेंट ऑफ ए आई एंड टेक्नोलॉजी ये रेट आने वाले सालों में और भी तेज़ी से गिरने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे जिनमें पहले मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब बहुत सारे ऐसे मशीनरी आ गई है एंड बहुत सारी जगहों पर रोबोटिक आर्म्स का यूज़ होने लगा है फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए मूविंग ऑन द सेवेंथ जॉब इन दिस लिस्ट इज़ कस्टमर केयर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से किसी को भी बात करना पसंद नहीं है एंड आपने देखा होगा कि पिछले पाँच छः सालों में अब कम से कम बात होने लगी है कस्टमर केयर के किसी बंदे के साथ अब ज़्यादातर जो हमारा इंट्रैक्शन होता है वो ऐसे चैट के थ्रू होता है और ये चैट क्या है ए आई और आने वाले सालों में जैसे जैसे करके ज्यादा डेटा मिलने लगेगा ए को ये चैटबोर्ड्स और ज्यादा स्मार्टर होने लगेंगे हमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे हमारी हेल्प कर पाएंगे और कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव वाले जो जॉब है वो कम होता रहेगा सो मूविंग ऑन द एर्थ जॉब इन दिस लिस्ट इज ग्राफिक डिजाइनर्स एंड हमने डॉली टू वाले एग्जाम्पल से देख ही लिया है कि कैसे अब ए आई सिम्पली हमसे एक टेक्स प्रॉम्प लेके इतने एलैबरेट और इतने अच्छे डिजाइन प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी में दुनिया में हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं बट हाँ आई डेफिनेटली थिंक नंबर ऑफ जॉब ज़रूर कम हो जाएगी क्योंकि जो बेसिक डिज़ाइन्स होंगे वो अब ऐसे ए आई या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम एक सेकेंड में ले पाएंगे बट जितने भी बहुत ही स्पेसिफिक या एलब्रेट डिज़ाइन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो शायद ए आई क्रिएट ना कर पाए उसके लिए हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी बट हाँ द नंबर ऑफ़ जॉब्स विल डेफिनेटली डिक्रीज़ सो मूविंग ऑन द नाइन्थ जॉब इन दिस लिस्ट इज इंश्योरेंस अंडर राइटर सो इंश्योरेंस अंडर राइटर बेसिकली एक इंडिविजुअल होता है जो कि एस और एनालाइज करता है रिस्क किसी भी इंसान को या किसी कंपनी को इंश्योरेंस देने में एंड उसके हिसाब से वो इंश्योरेंस प्रीमियम की प्राइसिंग डिसाइड करता है और ये एक बहुत ही डेटा हैवी काम है और ऐसा काम है जहाँ पे डेटा एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है एक ये बहुत ही परफेक्ट यूज़ केस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तभी आने वाले सालों में मेरे ख्याल से इंश्योरेंस अंडर की जॉब्स भी कम होगी एंड फाइनली द टेंथ जॉब एंड आई थिंक सबसे वियर जॉब इन दिस लिस्ट इज़ दैट ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एंड दीज आर गोइंग टू गेट रिप्लेस बाय वर्चुअल ए आई जनरेटेड इंफ्लुएंसर आप में से शायद बहुत लोग को पता ना हो बट इस वक्त बहुत सारे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है जो कि बेसिकली कोई ह्यूमन नहीं है उनको ए ने बनाया है एंड डोंट थिंक ये ऐसे कुछ कार्टून लुकिंग या रोबोटिक से इन्फ्लुएंसर है अगर मैं आपको इनका अकाउंट दिखाऊं तो आप बोल ही नहीं सकते आप बता ही नहीं पाओगे कि यार ये एक्चुअल ह्यूमन नहीं है ये ए ने बनाया है और ये कोई छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर भी नहीं है अगर मैं लिल मिकेला की बात करूँ जो कि वन सेकेंड एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है उनके इस वक्त इंस्टाग्राम पे वन मिलियन फॉलोअर्स है उनके पास एक ब्लू टिक भी है इंस्टाग्राम पे और ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर काफी सारे फैशन ब्रांड से भी कोलाबरेट करते हैं तो इनके

आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना